डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक सीसी की पेंसिल यानी लीड पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। देखो, इन्होंने व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दी है, और पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में दी है। तो कहता है लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमें सबसे पहले आसान काम है, देखो ये जैसे मैंने कहा एक पेंसिल है और ये ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट का आयतन तो हमारे लिए सीधा सीधा निकल जाएगा। तो मैं कहूँगा ग्रेफाइट का आयतन हुआ पाई आर स्क्वायर एच, और पाई क्या हो गया 22/7, आर क्या है 1 mm, 1 mm है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारी त्रिज्या आ जाएगी। तो इसकी तो त्रिज्या होगी 1/2 और इसकी त्रिज्या होगी 7/2 आर स्क्वायर है। अब देखो, हाइट हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, अगर हाइट हमें सेंटीमीटर में दे रखी है तो इस mm को भी मुझे सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 mm के बराबर। तो अगर मेरे को इन दोनों को त्रिज्याओं को सेंटीमीटर में बदलना, तो मैं क्या करूंगा, नीचे 10 दे दूंगा। अब मैंने कहा 22 7 2 14, ये हो गया 10, और ये 10 से कटा तो ये हुआ 11, तो ये हो गया 11/100 cm³। तो ये हो गया 0.11 cm³ हो गया। ये तो बहुत सिंपल था। अब मैंने कहा पेंसिल का आयतन क्या होगा और पेंसिल में लकड़ी का आयतन चाहिए हमें। अब लकड़ी का आयतन क्या होगा, पेंसिल में से अगर मैं ग्रेफाइट घटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा। अब मैं इसको दो तरीके से कर दूंगा। पहले मैं कहता हूं कि पेंसिल का आयतन क्या होता, पेंसिल का आयतन क्या होता, तो मैं कहता भैया वही पाई आर स्क्वायर एच है, 22/7 इंटू, अब पेंसिल का व्यास क्या 7 था, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 7/20, क्योंकि हमने mm को सेंटीमीटर में बदल दिया, 7/20 इंटू 14, 7 से 7 कैंसिल हुआ, इधर 11 इधर 10 इधर 7 इधर 10, तो 7 × 7 49 और 11 539/100, इसका मतलब हो गया 5.39 cm³। ये हमारा आंसर नहीं है, हमें चाहिए लकड़ी का आयतन। और लकड़ी का आयतन कैसे आएगा कि मैं पेंसिल में से ग्रेफाइट घटा दूंगा, पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। तो मैंने कहा 5.39 cm³ माइनस 0.11 cm³, यानी 5.28 cm³ लाया। हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे, हम इसको एक और ऑप्शन से कर देते हैं। अब मैं कहता इसका हम क्या कर सकते थे पाई, अब मैं क्या करता, पेंसिल की त्रिज्या को तो ले लेता आर और ग्रेफाइट की त्रिज्या को ले लेता ये वाला, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो मैं कहता 22/7 इंटू आर क्या हुआ, बड़ा वाला, बड़े वाले की क्या हुआ है 7/20 इंटू 7/20 माइनस 1/20 इंटू 1/20 इंटू 14, ये हो गया 7 × 7 49, 49/400 और इधर हो गया 1 माइनस, तो ये हो गया 22/7 इंटू 48/400 इंटू 14, 7 से काटा 2, इधर आया 200 और इधर 11/100। अब देखो 11 इंटू कितना हुआ 528/100, यानी 5.28 cm³। तो मैं चाहता तो पेंसिल का आयतन सीधा निकाल सकता था,
और लकड़ी का आयतन सीधा ऐसे निकाल सकते थे, परंतु हमने ग्रेफाइट का भी हमसे पूछा गया था, और तो हमने कहा चलो ग्रेफाइट का निकाला तो पेंसिल का निकाल देते, और पेंसिल से माइनस, हम सीधा लकड़ी का आयतन ऐसे भी निकाल सकते थे। ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा दूसरा तरीका है। तो आपने देखा कि ये बहुत ही सिंपल सवाल था, थोड़ा सा घुमा के पूछा, कोई बात नहीं बेटा, घूमना भी चाहिए ना कभी कभी। तो चलिए ये हमारा खत्म हुआ सवाल।